इस मजदूर ने एक लड़की की बचाई इज्जत, 7 साल बाद लड़की ने चुकाया इस तरह एहसान। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिवदास राणा सुबह 6 बजे मजदूरी के लिए निकलते थे, शाम को वापस आते थे। एक बार वो वापस आ रहे थे, काफी अंधेरा हो चुका था। शिवदास विभूतिपुरा जिला कोतार के रहने वाले हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। जब वो वापस आ रहे थे दोस्तों, तो ऐसा कुछ हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली वो अपने 2 साथियों के साथ हमेशा लौटते थे, लेकिन उस दिन जब वो लौट रहे थे तो रात के 9 बज गए थे और वो अकेले थे। उन्होंने साइकिल उठाई और गांव की तरफ चल पड़े। गांव से 5 किलोमीटर दूर खेतों में अचानक उन्हें किसी की आवाजें सुनाई दी। वे रुक गए। ये आवाज एक लड़की की थी। शिवदास ने बिल्कुल नहीं सोचा और खेतों की तरफ जा खड़े हुए। देखते हैं कि वहां पर एक लड़की के साथ कुछ लड़के जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवदास ने उन लड़कों को पकड़ा, उनकी तरफ दौड़े तो उन लड़कों ने उन पर हमला शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। शिवदास उनसे लड़ते रहे। लड़कों ने शिवदास को मार मार कर लुहान कर दिया, किंतु वो फिर भी नहीं हारे और उन्होंने उस लड़की की उन लड़कों से रिस्पेक्ट बचाई और उन्हें उस लड़की को अपने घर लेकर आ गए और उसकी काफी रक्षा की। ताकि इस दौरान उन्हें काफी चोट लगी क्योंकि उन लड़कों ने उन पर हमला बोल दिया था। उस लड़की का नाम रश्मि गुप्ता था। उसने रामदास को निकट के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लड़की के पिता सेना में अधिकारी थे, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। अचानक उन लड़कों ने उसे दबोच लिया था, लेकिन लड़की अचानक उन गुंडों के बीच में फंस गई। आपको बता दें कि धीरे धीरे रश्मि ने उसकी देखभाल की। 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा शिवदास। लड़की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। जब शिवदास ठीक हुआ अपने घर चला गया। घटना के 7 साल बाद शिवदास रोज की तरह मजदूरी करने शहर गया था। तब रश्मि और उसके पिता उसके घर पहुंचे। शिवदास की पत्नी ने कहा वो शाम को आएंगे। रश्मि और उसके पिता शाम तक इंतजार करते रहे। जब शिवदास घर आया तो पुलिस को सामने देखकर घबरा गया। उसे डर लग रहा था उसके घर में पुलिस का अधिकारी और एक लड़की क्या कर रहे हैं। रश्मि के पिता के साथ 3 और फौजी दोस्त आए थे। शिवदास समझ नहीं पा रहा था। इतने में रश्मि ने उठकर शिवदास के पैर छुए और उन्हें पुरानी 7 साल पुरानी घटना याद दिलाई। शिवदास उस घटना को एक सपना समझकर भूल भी चुका था, किंतु रश्मि उस घटना को नहीं भूली थी। आखिरकार रश्मि के पिता ने शिवदास को कुलार में घर खरीद के दिया, एक ऑटो रिक्शा। अब शिवदास मजदूरी नहीं करता है बल्कि ऑटो रिक्शा चलाता है। रश्मि ने बैंगलोर में एक होटल खोल रखा है। अक्सर वो शिवदास से मिलने आती है, शिवदास के बच्चों को अपने पास रखकर पढ़ा रही है। इस घटना के बाद रश्मि ने शिवदास और उसके परिवार को अपना लिया है। दोस्तों सदैव दूसरों की मदद के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। किसी की मदद करना दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आपकी क्या राय है इस बारे में?